नमस्कार, मैं वंशिका तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द ऑपरेन। राजनीतिक जगत से जुड़ी 20 नई खबरें। आधे घंटे से ईडी ऑफिस में मौजूद है राहुल गांधी, लगातार हो रही है पूछताछ। ईडी के सामने आज राहुल गांधी की होगी पेशी। देश भर में कांग्रेस करेगा प्रदर्शन। शिवसेना ने चुनावी रैली और कुंभ को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा साधु संतों का दोष नहीं। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, केंद्र ने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पर लगाया रोक। सीडब्ल्यूसी बैठक में बोली सोनिया गांधी, टीकाकरण के लिए आयु सीमा घटाकर 25 साल करे सरकार। बंगाल चुनाव में आज पीएम मोदी की 2 और ममता बनर्जी की 3 जनसभा, 5वें चरण की वोटिंग जारी। घबराइए मत, 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। पूंछ बिहार घटना के बाद ममता के कथित ऑडियो पर विवाद। कांग्रेस प्रत्याशी का दावा, एसयूवी में वोटरों ने देने के लिए देखी नकदी, कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू। कोरोना से कई राज्यों में हाहाकार, केंद्र सरकार ने यूपी छत्तीसगढ़ से आईसीयू बेड्स और एम्बुलेंस बढ़ाने को कहा। पहली बार विधानसभा चुनाव के दौरान 1,000 करोड़ से ज्यादा जब्ती, चुनाव आयोग ने कहा रंग लाई सकती। कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहे हैं राजनेता, प्रकाश जावड़ेकर की रिपोर्ट पॉजिटिव, कहा नजदीक आए लोग कराएं टेस्ट। पुनावाला रिक्वेस्ट यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति से बोले पुनावाला, अगर कोरोना के खिलाफ हैं एकजुट तो हटाए कच्चे माल के निर्यातक से प्रतिबंध। कोलकाता में अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां, 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभा। चीन के साथ गतिरोध पर बोले जनरल बिपिन रावत, किसी भी दबाव के आने आगे नहीं झुकेगा। कोरोना के साए में हो रहे बंगाल चुनाव पर ईसी ने की सर्वदलीय बैठक, बीजेपी से लेकर टीएमसी तक। कोरोना की डरावनी रफ्तार के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलनकारी किसानों से की अपील। कोरोना के चलते 15 मई तक देश भर में